हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन डेट से लेकर जॉब लोकेशन तक कंप्लीटली बताऊंगी, जैसे कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपके क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होनी चाहिए, और आपकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट कितनी यानी कितने पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई, तो यहाँ पर आपको 31 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट नेम यानी किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो कंप्यूटर यानी सीए कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऑनलाइन डेट यानी आवेदन प्रक्रिया यानी आपके फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, तो आपके ये फॉर्म जो 6 सितंबर 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, 6 अक्टूबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आपकी जो लास्ट डेट फीस पेमेंट फीस की है जो, वो 6 अक्टूबर 2022 है और आपकी लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी यही है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस इसमें जो आपकी है यूआर यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए 1180 रुपये रखी गई है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 826 रुपये फीस रखी गई है, और पीएच यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए 12 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज में भी रिलक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन अगर जो आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, और इसके साथ ही आपकी हिंदी टाइपिंग जो है स्पीड 30 वर्ड प्रति एमएम होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ आपकी हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग भी इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो आपका होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 27,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ये सैलरी आपको किस लेवल के मिलेगी, 4 लेवल को आपको सैलरी मिलेगी, यानी हर मंथ का अमाउंट जो आपका है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज बांटी गई है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, तो कंप्यूटर असिस्टेंट यानी सीए की जो आपकी पोस्ट है उसमें यूआर यानी जनरल के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, एससी कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल पर पोस्ट यानी पदों की संख्या जो आपकी है वो 31 है। आप अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं तो फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।